सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं एक हेल्दी नाश्ता। आप मेरे स्टाइल से नाश्ता बना करके खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें एक कप चावल का आटा डाल दिया है, आधा कप गेहूं का आटा, एक मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक चॉप करके डाला है, एक हरा मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच मगरेल अजवाइन और एक चम्मच हमने नमक डाला है। इन सभी को अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसमें धीरे धीरे करके पानी डाल करके पतला सा घोल इसको बना लें। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए एक बार में आप पानी बिल्कुल न डालें, धीरे धीरे करके आवश्यकता के अनुसार एकदम पतला घोल इसका बनाना है। आप मेरे स्टाइल से ये नाश्ता बना करके खाएं, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप इसमें चाहे तो अपनी पसंद के अनुसार सब्जी भी डाल सकते हैं। देखिए इतना ही पतला घोल इसका बनाना है। घोल बनाने के बाद इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट जब हो जाए इसको अच्छे से घोल को मिला लेंगे, क्योंकि 10 मिनट रखने के बाद होता है पूरा आटा जो है ना नीचे वो बैठ जाता है, इसलिए अच्छे से इस घोल को फिर से बनाने से पहले एकदम से मिला लें, मिला करके ही बनाएं। मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसमें एक पैन चढ़ा दिया, पैन में थोड़ा सा हमने तेल डाला है। तेल डालने के बाद इसको जब भी आप बनाएं तो मीडियम लो फ्लेम में बनाएं, हाई फ्लेम में बिल्कुल ही ना बनाएं। मैंने छोटी वाली कलछी से देखिए 3 चम्मच घोल डाल दिया है। जब इसका किनारे हल्का गुलाबी हो जाए तभी आप इसको पलटें। देखिए हल्का हल्का नीचे से बिल्कुल गुलाबी होने तक सीख चुका है, इसको सावधानी पूर्वक अच्छे से पलट दें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप सारे घोल का इसी तरह से जितना भी घोल है सबका आप बना लें। ये देखिए ये सीख चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल करके फिर दूसरा भी इसी तरह से डाल करके इसके बाद बना लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसको बना करके पूरे परिवार को खिलाएं। आप इस नाश्ते को मीठी चटनी, इमली की चटनी, सॉस, आम की चटनी, जिसके भी साथ में पसंद हो उसके साथ में आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए पूरा बनके एकदम तैयार है। हमने देखिए सभी को निकाल लिया है, ये सारा इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल पर नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हेल्दी नाश्ता कैसा लगा। मैंने देखिए इसको मीठी चटनी और आम के साथ सर्व किया। आप मेरे नए चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।